हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहे। तो बात करते हैं बीबीएल मैच नंबर 35 में टूर्नामेंट की दो सबसे टॉप टीम जो कि आमने सामने होगी। तो बात करते हैं मैच नंबर 35 जो कि खेला जाएगा पर्थ स्कॉर्चर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में। अगर रिसेंटली बात करें जहाँ पे दोनों के बीच में 10 जनवरी को मैच हुआ था जिसमें ब्रिस्बेन हीट ने मैच जीत के आ रही है। पर्थ इस वक्त टेबल नंबर 2 पे स्टेबल, टीम ने 8 मैच खेले जिसमें से 2 मैच हारा और 5 मैच जीत के आ रही है। टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के करीब है। वहीं दूसरी टीम ब्रिस्बेन हीट जहाँ पे टेबल टॉप पे स्टेबल है, 9 मैच खेले जिसमें से 7 मैच जीत के आ रही है और 2 मैच कैंसिल हुआ था। टीम पॉइंट टेबल नंबर 1 पे स्टेबल है, टीम अब तक एक भी मैच नहीं हारी, टीम पहले ही प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। यह मैच 13 जनवरी को पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 88% रहेगा, टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 69% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 25% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट देखते हैं तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 160 है, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 142 है। अब बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 5 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे पर्थ स्कॉर्चर्स 3 मैच जीत के आ रहे थे, ब्रिस्बेन हीट 2 मैच जीत के आ रही है। करते हैं पहली टीम ब्रिस्बेन हीट का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने टूर्नामेंट में अच्छा स्टार्ट किया, टीम टूर्नामेंट में टॉप चल रही है, अब तक एक भी मैच नहीं आ रहा। टीम ने 9 मैच खेले जिसमें से 7 मैच जीत के आ रही है। टूर्नामेंट की एकमात्र ऐसी टीम है जो अब तक नहीं आ रही है। लास्ट गेम की बात करते हैं, लास्ट मैच में टीम ने पर्थ को 23 रन से हराया था। टीम के टॉप बैटर हैं कॉलिन मुनरो जो टीम को लीडिंग रन स्कोरर है। ओपनिंग में बात करते हैं जहां पे ख्वाजा टीम के वापस आ गए हैं, मिडिल ऑर्डर में मैट रेंसो एंड सैम बिलिंगसन है। लैम्बू चेस भी टीम में जुड़ गए हैं, लास्ट गेम में उन्होंने 45 रन बनाए थे। वहीं अगर बॉलिंग में बात करें तो हर मैच में बहुत स्ट्रांग चल रही है, हर बॉलर विकेट ले रहे हैं। लास्ट गेम में टीम ने बॉलिंग के चलते ही मैच जीता जहां पर पॉल वॉल्टर ने 2 विकेट निकाले थे। वहीं शेक्सपियर बॉलर जो अब तक 15 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर बन चुके हैं और तहलका भी मचा रहे हैं। अब इनके देखते हैं प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पर शुआन ख्वाजा है, कॉलिन मुनरो, मैट रेंसो, मार्नस लैम्बू चेस है, सैम बिलिंग्स है, पॉल वॉल्टर, मिचेल नशे, शेक्सपियर बाल्टेड, स्पेंसर जॉनसन, मिचेल स्वेप्सन और मैथ कुनेमन। अब इनके कुछ की प्लेयर की बात की जाए, जहां पे पहली प्लेयर की बात करें तो कॉलिन मुनरो जो कि एक बैट्समैन है, 7 मैच खेल के आए, रन 224 से एवरेज 37 का। कुछ दूसरी प्लेयर की बात करें तो मैक्स सोनी जो कि एक बैट्समैन है, 5 मैच में 142 रन है, एवरेज 35 का है। तीसरी प्लेयर की बात करें शेक्सपियर बार्ले जो कि एक बॉलर है, 7 मैच में 15 विकेट निकालने की नियमित 6.8 का है। करते हैं दूसरी टीम पर्थ स्कॉर्चर्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। पर्थ स्कॉर्चर्स बीबीएल बार के चैंपियन है, टीम ने लगातार 4 गेम जीत के साथ टूर्नामेंट का स्टार्ट किया था। लास्ट गेम में टीम को ब्रिस्बेन हीट ने हराया था। अब यहां पे टीम का वापस चांस बदला लेने का। टीम टेबल नंबर 2 पे स्टेबल, टीम की बैटिंग स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, जहां पे ओपनिंग में उतर सकते हैं जैक क्रॉली एंड व्हाइटमैन, लास्ट गेम में फ्लॉप थे। वहीं लॉरी इवेंस टीम को स्टेबिलिटी देते हैं, बैटर्स एरोन हांडी टीम के लीडिंग रन स्कोरर हैं और कप्तान भी, उन्होंने अब तक 287 रन बनाए। टीम की बॉलिंग बेस्ट है, बॉलिंग यूनिट में बात करें तो सभी टॉप क्वालिटी के बॉलर्स थे, जहां पर जी रिचार्डसन टीम को लीड करेंगे। टीम का टॉप परफॉर्मर जहां पर जेसन बैंडअप जिन्होंने 11 विकेट निकाले थे, एस्टन टकर जो आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, जहां पर ऑलराउंडर बात करें तो एंडी ट्राई लास्ट गेम में टीम से बाहर थे। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पर जैक क्रॉली है, व्हाइटमैन है, एरन हार्डी, जॉस इंग्लिश, लॉरी एमेंस, कूपर कैनली, एस्टन अगर, मैगजीन है, जी रिचार्डसन, जेसन वैंडरॉफ और लैंस मॉरिस है। अब इनके कुछ की प्लेयर की बात की जाए, जहां पर एरन हार्डी जो कि एक बैट्समैन है, 8 इनिंग में 287 रन है, एवरेज 47 का। वहीं दूसरी प्लेयर की बात करें तो जॉस इंग्लिश जो कि एक बैट्समैन है, 7 इनिंग में 203 रन बनाए, एवरेज 50 का है। तीसरी प्लेयर की बात करें तो जेसन बैंडअप जो कि एक बॉलर है, 6 मैच में 11 विकेट निकाले, इकोनॉमिक 6.9 का है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं विनर के अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच में ब्रिस्बेन हीट होगा, यहाँ पे पर्थ स्कॉर्चर्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। Yeah!